3, 2, 1, लाइट्स कैमरा एक्शन। अच्छा ये उस तरह की मूवी नहीं है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा सॉरी, देखो यार मेरे को लाइट्स की नीड है नहीं और कैमरा की भी मेरे को नीड नहीं है, बट हाँ एक्शन थोड़ा हो सकता है यहाँ पर। तो एक्शन की अभी हम बात करते हैं, वो कैसे होता है ये तुम सभी को पता है अगर तुम पुराने व्यूअर्स हो। सो हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स टीसी हियर, वेलकम बैक विथ अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ ओपन रेल्स एंड दिस टाइम इट्स 19669। सो गाइस इस बार 69 आ चुका है हमारी वीडियो में, तो मैं बिना कुछ किए ही, मतलब तुम लोग बिना कुछ देखे ही बता सकते हो अभी से ही कि कितनी ऑसम होने वाली है वीडियो। मतलब अभी से जज मत करने लगना क्योंकि अभी बहुत सारा पार्ट बचा है वीडियो का, अभी तो बस स्टार्टिंग है। सो गाइस इट्स उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस। तो यारो देखो आज का सीन कुछ ऐसा है, उदयपुर से हमारी ट्रेन जो है चलेगी, सोर्स स्टेशन से ही एक्चुअली हमको ये लेकर जानी है। ये आप अभी राइट साइड में देख रहे होगे, ये हमारी ट्रेन जो है अभी शंट हो रही है भाई रतलाम शेड WDM3 है, और उसकी लिवरी भी आज की थोड़ी यूनिक है, ये आप देख पा रहे होगे। ट्राई कलर है 16581, LHP ट्रेन है हमारी। अब यार देखो हम सफ़र है तो ICF तो हो नहीं सकती, ये तुम्हें भी पता है, जनरल नॉलेज है, सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता होती है, और अगर नहीं पता होती तो कोई बात नहीं मैं बता दूंगा। एंड गाइस आई एम रियली सॉरी कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, मुझे नहीं पता अब कितना टाइम हो गया, गिनने मत लग जाना और ना कमेंट सेक्शन में इस बारे में बोलना। एनीवेज बता सकते हो, मैं रोक नहीं रहा हूँ। तो यार देखो अभी तो हमारा सिग्नल भी मिल चुका है आगे जाने का, और वो हमारी ट्रेन है नहीं, वो तो AI कंट्रोल हो रही है। आपको पता है एक्सटेंडेड AI शंटिंग जो है ओपन रेल्स में फीचर है, और हमें तो अभी लोको शेड की तरफ जाना है एज हमारा जो लोकोमोटिव है जो कि आज इस ट्रेन को हॉल करेगा। गुंटाकल शेड का WDM3 है, मतलब आप देख सकते हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है जो कि उदयपुर स्टेशन है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है, और जो इसकी ट्रेन है मतलब यहाँ से जो ट्रेन जाने वाली है उसको कहाँ का लोकोमोटिव हॉल करेगा? गुंटाकल। अभी कौन से जोन का यार मैं ये भूल गया, एनीवेज चेक करते हैं। अच्छा साउथ सेंट्रल रेलवेज। तो चलो यार SCR का हमारा बहुत ही बढ़िया वाला मेहमान आ रखा है, तो इसकी बढ़िया से क्या मेहमान नवाजी यही कहते हैं ना, हाँ चलो ये कर देते हैं अच्छे से। एंड गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सिग्नल हमें मिल चुका है आगे जाने का, तो अभी ब्रेक्स को करेंगे रिलीज़, और ब्रेक्स को इनिशियलाइज़ भी करना होता है। ऐसा आपको पता है अगर आप ब्रेक्स को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो आप अपने लोकोमोटिव को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। सो गाइस अभी थ्रॉटल बढ़ा देते हैं, मतलब सॉरी थ्रॉटल पावर इनक्रीज़ कर देते हैं, और हॉर्न मैंने बजाया नहीं था, मैं बिना हॉर्न बजा के आगे बढ़ गया था, क्या कह सकते हैं मैं थोड़ा बहुत मतलब बिगड़ गया हूँ, ये लोको पायलट अपने फॉर्म में नहीं है दीज डेज, बट डोंट वरी आ जाएगा वापस, थोड़ा टाइम लगेगा बट एनीवेज अभी तो यार आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी देख रहे हो 15 की लिमिट दे रखी है, बट कोई बात नहीं यार 20 की स्पीड पर तो जा सकते हैं। इंडियन रेलवेज हम आपकी इतनी मतलब हेल्प करते हैं, हेल्प नहीं मतलब इतना काम करते हैं यार, तुम्हारी इतनी सारी ट्रेनें हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो हमें डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा स्पीड रिस्ट्रिक्शन में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते रहते हैं। एक्चुअली क्या सीन है ना, जो हमारी हमसफ़र है वो शंटिंग तो हो रही थी, बट जिस लाइन से वो हो रही थी उस पर ही अभी हमको जाना है, तो यार उस पर जाने पे अगर अभी हम पहले ही पहुंच जाते तो तुम्हें भी पता है क्या होने वाला था, एक्सीडेंट हो जाता भाई, ये उस टाइप की वीडियो है नहीं, एनीवेज मैं बनाना नहीं चाहता। तो चलो यार अभी थोड़ी बहुत स्पीड ऑन इंक्रीज कर लेंगे, अब यार इतनी ठीक है इतने पे ही जाने दो, कौन सा हमें यहीं पे 100 करना है अभी। स्टेशन मास्टर ने देख लिया तो वो जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म करवा देगा, और वो मैं अभी चाहता नहीं हूँ, ऑलरेडी इतने टाइम बाद आया हूँ, तो मुझे आराम से अपनी ट्रेन को जो है हॉल करने दो और तुम लोगों को एंटरटेन करने दो। तो बस बताना ज़रूर एट द एंड ऑफ द वीडियो कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। एनीवेज मुझे नहीं पता मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एंड ऑफ द वीडियो की बात क्यों कर देता हूँ, बट कोई बात नहीं यार। ये जैसे कि आप सभी अभी देख सकते हैं हमारा WDM3 है जिसका रोड नंबर है 16333,
जो है अभी आगे बढ़ता जा रहा है, और स्पीड लिमिट तो 15 की यार चेंज होने वाली नहीं है, तो स्पीड लिमिट पे ध्यान नहीं देते हैं। और उदयपुर सिटी से जो हमारी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम होता है वो आई गेस गाइस 12:45 होता है। यार इस ट्रेन का डिपार्चर का टाइम 12:45 पे होता है, और इसकी जो शंटिंग हुई है वही उस टाइम पर हुई है। भला आप देख सकते हो कितने लापरवाह हो चुके हैं लोग लॉकडाउन के बाद। एनीवेज लोग नहीं, हमारे जो इंडियन रेलवेज में वर्कर्स हैं, एंड गाइस प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली मत लेना, मैं रियल लाइफ से इसको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने गेम की बात कर रहा हूँ। कभी पता चला तुम लोग एजेंडा चला दो भाई कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा। तो गाइस अभी तो यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं, एज आपको पता है यहाँ पे रिवर्स पॉइंट था हमारा, तो यहाँ से हमें रिवर्स करना है अपने लोगों को। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अभी जो हमारा सिग्नल है वो रेड है, तो यहाँ से एक्चुअली पीछे जो हमारी ट्रेन खड़ी है, ओपन रेल्स को पता है यार पीछे ट्रेन खड़ी है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मैं सिग्नल दूंगा ही नहीं, आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा स्टेशन मास्टर की। मुझे नहीं पता स्टेशन मास्टर देगा या कौन देगा, बट हमें तो भाई टैप प्रेस कर देना है परमिशन लेने के लिए। सो गाइस परमिशन ग्रांट हो चुकी है, रिवर्सर को रिवर्स में लगाते हैं, सॉरी रिवर्स करना है, अभी फॉरवर्ड नहीं जाना है। तो अभी रिवर्स करते हैं अपने लोकोमोटिव को और हॉर्न बजा देते हैं, वार्निंग दे देते हैं कि यार हमारा जो लोको है अब वो रिवर्स में आ रहा है, तो कोई भी अगर इधर उधर भाग रहा हो तो हट जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, मतलब मैं रुक सकता हूँ बट मेरा लोकोमोटिव नहीं रुकेगा ना। एंड गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं सिटी ऑफ लेक्स वेलकम्स यू टू उदयपुर, मतलब उदयपुर को आई गेस सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, तो हमारे महाजन जी ने ये भी आपको दिखाया है। एनीवेज गाइस आज का जो रूट है जो हमारी वीडियो में यूज़ किया गया है वो है मेवाड़ रूट, इसके बारे में सभी को पता है, मुझे इसकी बात करने की नीड है नहीं, क्योंकि यार मुझे भी पता है अगर मैं किसी चीज़ की बात करने लगता हूँ ना अगर वो पेवियर हो तो यार लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रमोशन बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, और वो चीज़ यार मैं अभी चाहता नहीं हूँ। सो गाइस ज़्यादा मैं इसकी अब बात नहीं करूँगा ताकि यार ऐसा ना लगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन कर रहा हूँ, यानी और मैं वो कर भी नहीं रहा होता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आजकल लोग ना अजम्पशन बहुत करते हैं और वो सबसे बुरी चीज़ है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली आज ना एक यूनिक चीज़ भी है हमारी वीडियो में, जो हमारी ट्रेन है उसके साथ हमें एक Web 7 भी दिया गया है, वो ट्रांजिट में है, तो हमें उसे लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है? कोटा की तरफ। अब गाइस देखो सीन क्या है, कोटा तो हमारे रूट में अभी आया नहीं है, एनीवेज फ्यूचर में आएगा, महाजन जी का वो प्लान है उदयपुर से कोटा और उदयपुर से रतलाम को भी ज्वाइन करने का। अभी तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ ही दिया गया है इसमें, और थोड़ा बहुत और सेक्शन है, अपडेट करते जा रहे हैं हमारे महाजन जी। जैसे कि आपको पता है Phase 1 जो आया था इस रूट का उसमें सिर्फ डीजल था, उसमें ये सब नहीं था, OHE वायर्स और पोल्स भी नहीं थे, और थोड़ा बहुत मतलब इसमें ऑब्जेक्ट्स भी न्यू लगाए गए हैं। एनीवेज उसकी बात अभी बाद में करते हैं यार, अभी अपने लोगों को कपल कर लें, ऑलरेडी मैं थोड़ा टाइम से नहीं चल रहा हूँ, मेरा जो लोको है मतलब जो मेरा शेड्यूल है वो थोड़ा लेट होता जा रहा है, तो गाइस कपलिंग कर लेते हैं यार पहले। गुंडाकल 3 AG पीछे आइए, हल्के हल्के आना, तेज मत आना, वही जैसे प्यार से किस करना होता है वही सीन है यहाँ भी। अच्छा अभी थोड़ी दूरी पर हो और पास आ जाओ, क्योंकि जब तक मैं आई गेस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और मेरा लोको कुछ ज़्यादा ही तेज आने वाला था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। चलो कोई नहीं यार, अभी रिलीज़ करके देखते हैं ब्रेक्स हमारा। अच्छा शायद गैस उस टाइम पे थ्रॉटल पावर लगी हुई थी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ज़्यादा ही तेज मारा था यार हमारी जो लोको है, अभी ठुक जाता आराम से नहीं बहुत तेज स्पीड में, सॉरी जर्नी शुरू होने से पहले ही फिनिश हो जाती। सो गैस यहाँ पर हमारा लोको कपल हो चुका है, F9 प्रेस करके देखते हैं। जी हाँ हमारा जो ट्रेन ऑपरेशन है उसमें आप देख सकते हो बाकी जितनी भी मतलब ये नंबर्स लिखे हैं AI 721, ये एक्चुअली इस लोको का नंबर है AI 721, और इसके पीछे जो 01 लिखा है ये हमारा लोको है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर ग्रीन कलर हो रखा है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो एक्टिव लोको है वो कौन सा है। तो यार अभी तो हम रेडी हैं यहाँ से जाने के लिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने शेड्यूल टाइम जो अपना लगाया था वो 12:55 का लगाया था कि यहाँ पे इस टाइम तक मैं यहाँ से डिपार्ट कर लूँगा,
एंड गाइस जैसे कि आपको पता है वेब 7 मैंने ट्रांजिट में लगाया है, तो इसका हम पेंटोग्राफ ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो यार F9 प्रेस करके इसका पहले तो मैं पेंटोग्राफ को नीचे करता हूँ, पावर ऑफ कमांड सेंड। वेब 7 जी आप बहुत शांत रहिएगा, आपको हम स्पीड में लेके जाएंगे, डोंट वरी, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एनीवेज गाइस सारे लोकोमोटिव्स मतलब इलेक्ट्रिक में कुछ ज़्यादा ही मेरे से डिसअपॉइंट ज़रूर होते होंगे कि मैं ज़्यादातर उनको फेल जो करता रहता हूँ। ऐसे यार मज़ा आ जाता है ना जब आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फेल होता है और डीजल लोकोमोटिव उसको प्यार से जो है हॉल कर रहा होता है, रेस्क्यू कर रहा होता है। तो गाइस हम अभी अपने उदयपुर स्टेशन से डिपार्ट करने के लिए रेडी हैं, हॉर्न बजाते हैं जाने के लिए और पैसेंजर्स को मतलब वार्निंग मिल जाएगी कि ये ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। ऑलरेडी 10 मिनट बिहाइंड शेड्यूल अब ये हो चुकी है, ट्रेन चल रही है और मैं भी थोड़ा 1 मिनट के शेड्यूल्स मतलब देरी से चल रहा हूँ। तो हो गया यार, हमारा हॉर्न बज गया, रिवर्सर हमारा फॉरवर्ड में है, ब्रेक्स हमारे रिलीज हैं और पेंटोग्राफ नीचे है हमारे वेब 7 का। तो वेब 7 में भी और कोई ख़राबी नहीं आएगी क्योंकि इससे सही सलामत मेरे को कोटा तक पहुँचाना है BRC वेब 7 को। एनीवेज वहाँ तक की जर्नी में दिखा नहीं पाऊँगा। ऐसा गाइस कोटा अभी अवेलेबल नहीं है रूट में, जैसा मैंने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में। अच्छा, आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है ट्रेन की अभी? इस टाइम पे मैं अपने गेम में तो ट्रेन चला ही रहा होता हूँ, रियल लाइफ में भी हमारी ट्रेन चल रही होती है। ऐसा इतने बजे कौन सी ट्रेन आ रही होगी? ऐसा मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो नाइट में 1:46 हो रहा है अभी, इतने टाइम पे यार मेरे इधर कौन सी ट्रेन आने लगी? मे भी कोई फ्रेट होगी, चलो उसको इग्नोर करते हैं, अपनी अभी गेम वाली ट्रेन पे फोकस करते हैं। इनका जैसे कि आपको पता है यार मैं थोड़ा बहुत लेट चल रहा हूँ टाइम से, तो थोड़ा ना यहाँ पे स्पीडी एक्सेलरेशन दिखा देते हैं। स्पीडी डिपार्चर कर दो भाई गुंटाकल WDM 3, क्योंकि भले ही पैसेंजर्स एक बार के लिए डिसअपॉइंट हो जाए बट मेरा टाइम टेबल जो है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एज गाइस आपको पता है ये सिंगल लाइन रूट है, तो इसमें टाइम टेबल को ना बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया अपना अराइवल और डिपार्चर, तो बहुत ही ट्रैफिक में आपका कंजेशन हो सकता है, कहीं पर भी सिग्नल पे ब्लॉक मिल सकता है भाई आपको, फिर आगे नहीं जा पाओगे, फिर वहाँ पर खड़े रह जाओगे, फिर आप सोचोगे इस एक्टिविटी को एंड करें या वहीं पर खड़े रहें। एंड गाइस फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये हमसफ़र के कोचेस पसंद आ जाते हैं, अब यार यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको ये पसंद आ जाते हैं तो ये हमारे ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के हैं, जो कि जिसके ओनर अपने हमजा भाई हैं जिन्होंने बनाए हैं, कितने शानदार लगते हैं यार कोचेस। एनीवेज गाइस पेवियर है और आप अगर इनको परचेज करना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मतलब पता कर सकते हो इसको कैसे लेना है फिर। एंड गाइस मैंने यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करा है, मैं बस आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा था कि आप ये कैसे ले सकते हो। सो गाइस अभी टाइमिंग हो रही है 12:58, क्या लगता है टाइम टेबल से चल रहा हूँ मैं? देखते हैं गाइस, अभी तो जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट आएगा, मतलब वो हॉल्ट नहीं है, मुझे वहाँ तक जाना है, जो अपना नेक्स्ट स्टेशन आएगा राणा प्रताप है आई गेस। देखते हैं यार वहाँ जाकर पता चलेगा क्या नेम है। एंड ये जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी हमसफर में एक स्लीपर कोच भी है। ये जब ट्रेन चली थी आई गेस तब नहीं था, बाद में इसको लगवाया गया था, और अब तो शायद हमसफर में बहुत सारी हमसफर में ऐसे स्लीपर कोचेज आपको देखने मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारे रतलाम शेड का WDM 3, जो कि इस ट्रेन को शंटिंग कर रहा था, स्टार्टिंग में शंट कर रहा था उदयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वो अभी यहाँ पर आके खड़ा हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। उसने भी काफ़ी अच्छी मेहनत दिखाई अपनी और अब वो टहल रहा है भाई, तो उसे टहलने देते हैं। एनीवेज रुका हुआ है अभी, मे बी उसको आगे आना होगा, ऐसा आप देख सकते हैं उसकी लाइन पर ही हमारी ट्रेन जा रही है, तो डेफिनेटली ये वेट कर रहा होगा कि ये ट्रेन कब यहाँ से जाएगी और मैं अपने शेड में पहुँच जाऊँ। मुझे नहीं पता है शेड में जाएगा या और शंटिंग करेगा, वो तो उसके जो भी लोको पायलट हैं उनको पता होगा उनका वर्क शेड्यूल क्या है अब। और हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है मावली जंक्शन,
डिस्टेंस है उसका 38 किलोमीटर्स। तो बहुत ही शानदार जर्नी होने वाली है। तुम्हें भी पता है अपना डीजल लोकोमोटिव है तो कैसे मज़ा नहीं आएगा यार। और डीसी भाई है तुम्हारा डीजल लोकोमोटिव अगर चला रहा है और तुम्हें मज़ा ना दे ऐसा तो होने का नहीं। तो यार अभी अपने पैसेंजर व्यूज को ठीक कर लें। ये तो जनरेटर करके उसमें आ चुके हैं, ये यार मेरे को मज़ा नहीं आएगा। आई गेस इतनी दूरी पे हम ठीक रहेंगे लोको से, आपको कोच साउंड भी आता रहेगा और लोको की साउंड्स भी आती रहेंगी। ये वाला कोच ठीक है, इसमें रह के अब हम ट्रैवल करेंगे। एंड गाइस ज़्यादा मैं अपने पैसेंजर व्यू मैं कैमरा एंगल्स चेंज नहीं करूँगा ताकि आपको एक पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवलिंग मिले इस वीडियो में, जर्नी में। तो चलो यार मेन लाइन हमने ज्वाइन कर ली है, तो अब थ्रॉटल पावर इनक्रीज़ कर देते हैं 50% में कर देता हूँ। ऐसा आप सभी देख सकते हैं अभी भी जो हमारी लिमिट है वो पूरी नहीं दी गई है कि आपको मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड दे दी गई है, अभी भी 70 दी गई है। आई गेस जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा उसमें और भी ज़्यादा हमें स्पीड देखने मिल सकती है। और आज बताना यार, मतलब जो अभी वाली अभी छगिंग साउंड हो रही है और जो हॉर्न बजाएगा हमारा लोकोमोटिव वो साउंड कैसी आ रही है। एक्चुअली गाइस मैं जब ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में तो ये मैंने साउंड्स रिकॉर्ड किए थे और मैंने सोचा यार जब रियल वाले साउंड्स हम गेम में सुनेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। अभी आपको भी पता है कैसा जो है अनुभव होगा हमें। तो यार ज़्यादा स्पीड भी हम एक्सीड नहीं करेंगे, ऐसा आपको पता है 70 की लिमिट है। यार यहाँ पे आई गेस ग्रेडियंट है, ऐसा आप सभी देख सकते हैं अभी मैंने अपनी थ्रॉटल पावर जो है पूरी ज़ीरो कर दी है बट स्टिल मेरी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ होती जा रही है। चलो थोड़ी बहुत तो स्पीड इंक्रीज़ होने देते हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। 70 की स्पीड लिमिट है और मैं 100 कर रहा हूँ, उतना भी नहीं है, 72 है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। यार आगे ट्रैक चेंज का दिखा रहा है, ये होगा नहीं आई गेस। ऐसे गाइस हमारी हमसफ़र है ज़्यादातर मेन लाइन से जाएगी, थोड़ी प्रीमियम गाड़ियों में ये आ जाती है प्रीमियम ट्रेन्स की लिस्ट में। एनीवेज गाइस मैं यहाँ पे ठीक हूँ ना, तो हमसफ़र एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेन्स की लिस्ट में आती है या नहीं ये मैं भूल चुका हूँ या फिर मुझे अब याद नहीं रहा है। एक मिनट, भूलना और याद नहीं रहा इसमें डिफरेंस क्या हुआ? कोई बात नहीं गाइस, मैं एक्चुअली एक ही चीज़ को दो दो तरीके से आपको समझा सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ या पूछ सकता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। एनीवेज गाइस हम थोड़ी बहुत हॉन्किंग करना भूल गए थे, जैसे आपको पता है ये स्टेशन आ रहा था और मैंने हॉन्क नहीं किया था दूर से ही, और कर्व पे भी थी हमारी ट्रेन, बट अब मैं ध्यान रखूँगा। और ब्रेक्स लगाने का भी ध्यान रख लो यार, आगे रेड सिग्नल आ रहा है 0.5 किलोमीटर्स, मतलब 500 मीटर पर। गाइस ये स्टेशन है राणा प्रताप नगर, जी हाँ जैसा मैंने बताया था आपको राणा प्रताप के नाम से स्टेशन आएगा। और स्पीड अभी यार ज़्यादा मतलब डिक्रीज़ भी नहीं करेंगे, ऐसा हमको पूरा रुकना भी नहीं है, अभी तो 400 मीटर बचा है हमारा रेड सिग्नल। और क्या लगता है यार अभी मैं पैसेंजर व्यू चेंज कर लूँ क्या थोड़ा बहुत? ऐसे यार वरना फिर कुछ भाई लोग कहते हैं कि आप एक ही पैसेंजर व्यू मतलब सॉरी एक ही कैमरा एंगल पर रह कर क्यों ट्रैवल करते हो, आप अपने कैमरा एंगल चेंज करते रहा करो। एंड आप सभी देख सकते हैं राणा प्रताप नगर स्टेशन के फ्रेट यार्ड में कोई मालगाड़ी भी खड़ी है WDG4 के साथ। और यार इमरजेंसी ब्रेक्स मैंने लगा तो दिए हैं बट हमारा रेड सिग्नल ब्रेक नहीं हुआ है। चलो यार नहीं हुआ। एनीवेज गाइस जैसे कि आपको पता है सिंगल लाइन रूट की जो एक यूनिक बात होती है वो यही होती है कि कभी कभी किसी स्टेशन पे आपकी ट्रेन जाती है तो उसको आगे जाने की परमिशन नहीं दी जाती है, मतलब सिग्नल आपका रेड होता है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई क्यों आपकी ट्रेन रुक चुकी है, क्या लोको पायलट को मतलब नेचर कॉल आया था या उसे कहीं का उसका फेवरेट फूड स्टॉल आ गया है उसे जाके मोमोज खाने हैं या कुछ और खाने हैं? बट ऐसा नहीं है, आगे से एक्चुअली गाइस हमारा जो ब्लॉक है सेक्शन है वो ब्लॉक हो रखा है, अभी ट्रेन है यार आगे, तो वेट करते हैं क्या सीन है, कौन सी ट्रेन आने वाली है। और अपने पैसेंजर व्यू को थोड़ा आगे लेके आ जाते हैं, मतलब सॉरी यार मैं हर चीज़ पे पैसेंजर व्यू लेकर आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता गाइस आज मेरे को पैसेंजर व्यू की इतनी याद क्यों आ रही है, किसी और की आनी चाहिए। एनीवेज चलो मैं पर्सनल नहीं होता हूँ अब यहाँ पे।
यार कितना वेट कराएगा मेरे को। ऑलरेडी गाइस मैं थोड़ा अपना, जैसा आपको पता है, शेड्यूल से थोड़ा पीछे चल रहा हूँ एक दो मिनट, और यहाँ पे अब मैं वेटिंग टाइम यार और ज़्यादा ना लग जाए मेरे को। और वैप सरवन जी क्या हाल है आपके, बेचारे डेड पड़े हो यार, मतलब डेड भी नहीं हो, ट्रांजिट में हो, आराम फरमा रहे हो। मैं लेके जा रहा हूँ यार तुमको कोटा तक, कोटा तक फ्री में तुमको राइड मिल रही है। अरे यार ऑलरेडी 6 मिनट हो चुके हैं राणा प्रताप पे आए हुए, 6 मिनट हुए ना, पता नहीं यार 6 या 4 मिनट तो ऐसा कुछ हो चुका है। बट गाइस दूसरी साइड से जो ट्रेन आने वाली है उसका कोई अभी मतलब क्या था यार, एक तो मेरी ना वर्ड्स भूलने की बहुत ही बुरी आदत है, वो होते ही मेरे माइंड में है बट उनको मैं मतलब बोल नहीं पाता हूँ, कुछ टाइम लगता है। और एनीवेज मेरे को 10-20 मिनट बाद याद आ जाएगा ज़रूर। तो गाइस वेट करते हैं, जो भी ट्रेन है जल्दी आ जाए, मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता उसके लिए। तुम लोग भी यार जल्दी से प्रे करो कि वो ट्रेन जल्दी आए, फिर हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करे राणा प्रताप नगर से। और ये आप सभी देख सकते हैं हमारी पेंट्री कार भी है ट्रेन में, तो तुम लोगों को मतलब जर्नी में अगर थोड़ा बहुत टायर्ड लगे, कुछ थक जाओ, भूख लगे तो बता देना, कुछ भी बनवा सकते हैं, हमारा पेंट्री कार है, पनीर नान जो भी, चिकन मसाला, मतलब जो भी तुमको खाना हो, वेज हो नॉन वेज हो, जो भी तुम्हारा मन करे। बट गाइस उसका बिल आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं बनाने के लिए बोल सकता हूँ बट मैं पे नहीं करूँगा भाई, मैं ट्रेन चला रहा हूँ, अगर मैं बिल देने के लिए आ गया तो फिर ट्रेन कौन चलाएगा। एनीवेज गाइस उसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेन पे फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं कोई ट्रेन जो है अप्रोच कर रही है, गाज़ियाबाद WF1-22024। क्या बात है यार, आज के टाइम में भी आपको WF1 देखने के लिए मिल रहा है। गाइस किसी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ये राणा प्रताप नगर के आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइव कर रहा है। यार WF1 इतनी हल्की स्पीड में मत चल यार, थोड़ा स्पीड बढ़ा भाई, एनर्जी लेके आ यार। आज मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, थोड़ी मेरे से ले ले बट इस ट्रेन को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। मेरा यहाँ से निकलने का जो टाइमिंग था वो 1:08 का था, ऑलमोस्ट गाइस वही हो रहा है वैसे टाइम। ये ऐसा आपको पता है ट्रेन जैसी मेन लाइन से हट जाएगी, ओपन रेल सबको आगे जाने की परमिशन दे देगा कि जा भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी, यहाँ वो नहीं होने वाला, जा सरवन जी ने अपनी ज़िंदगी भाई, यहाँ ट्रेन का होगा या मेरा नाम लगा सकते हो। हम सफ़र एक्सप्रेस, एनीवेज यार कुछ भी कहो, हम सफ़र ना मतलब बहुत बढ़िया होता है, फिर चाहे वो असली ज़िंदगी वाला हो या ट्रेन वाला हो। अब समझदार लोग समझ गए होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अच्छा यार हमारे आई गेस गुंताकल शेड, मतलब सॉरी गुंताकल WDM3 के इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगे थे और मैं वो लगे ही रहने दिए। तो चलो गाइस ब्रेक्स को करते हैं इनिशलाइज और हॉर्न बजा देते हैं। ऐसा आपको पता है ट्रेन कुछ टाइम के लिए अगर किसी स्टेशन पर रुक जाती है, फिर चाहे भले ही वो 1 मिनट के लिए क्यों ना रखे, पैसेंजर्स को उतरना होता है। तो ये जो हॉर्न बजाने का मतलब रूल बनाया है, डेफिनेटली उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो चलिए गाइस अपने हॉर्न भी हमने बजा दिया, हमारा रूल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है मेन लाइन का हमारा स्टॉप था, तो यहाँ से हम अच्छी पावर के साथ डिपार्ट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये जो मालगाड़ी थी इसमें लोकोमोटिव है साबरमती का WDG4। क्या बात है यार, और वो भी दो, किसी BCNA फ्रेट ट्रेन के साथ है। पर इसका गुड्स तो मेरे को दिख नहीं रहा, अच्छा अंदर होगा ना, बाहर क्यों रखेंगे यार, बाहर रखेंगे तो कोई चोरी करके ले जाएगा। एनीवेज का जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे गुंताकल WDM3 पे कितना लोड पड़ रहा है। एक तो यार इतना भारी WF7 है, ऊपर से पूरी भरी हुई रेक होगी पैसेंजर्स से। एनीवेज गाइस पैसेंजर्स का कोई नामो निशान तो है नहीं। हाँ देखा मैंने क्या कहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मतलब स्टार्टिंग में नहीं जब वो ट्रेन आने वाली थी, कि वो वर्ड मेरे माइंड में होता है बट कुछ टाइम बाद ज़रूर आएगा, और वो आ गया। देखो नामो निशान, उस टाइम पे मैं यही वर्ड बोलने वाला था कि भाई उस ट्रेन का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। ये एक और मेरा टैलेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आगे आने वाली वीडियोस में काम आ सकता है आपके।
कि हाँ भाई आपका ये भी एक टैलेंट है। सो गाइस 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है अभी अचीव करी है हमारे WDM3A ने हमसफर एक्सप्रेस के साथ। थोड़ी सी और यार थ्रॉटल पावर इंक्रीज कर देता हूँ, 38% ले लो, बट अच्छी स्पीड में ले जाओ। एंड आई होप गाइस कि अब मावली तक हमारा कोई भी स्टॉप नहीं होगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं ही होगा, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है तो ज़्यादा रुकने का भी कहीं कुछ सीन होगा नहीं जैसा मुझे लग रहा है। तो चलो यार अपने पैसेंजर व्यू पर चलते हैं, वरना ये ट्रेन मेरे को यहीं पर पीछे छोड़ के चली जाएगी। और यार हम फिर जर्नी किस में करेंगे, मुझे पैदल चलना पड़ेगा। एनीवेज गाइस पीछे ट्रेन खड़ी थी, मुझे उदयपुर की तरफ जा रही थी गाज़ियाबाद वेब वन के साथ, उसमें मैं ऑनबोर्ड हो सकता था, उसकी जर्नी कर लेते, उसमें क्या है भाई। ऐसा आपको पता है हर जगह कोरोना वायरस है, तो टीटी मेरे पास आने से भी डरेगा, थोड़ा सा खास देना, उसमें क्या है भाई। एनीवेज गाइस ये सिर्फ मैं अभी वीडियो में बात कर रहा हूँ, इस टेक्निक को रियल लाइफ में ना अपनाएं, क्योंकि फिर कुछ लाल भी हो सकता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि तुम्हें पता है ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है। एनीवेज कभी कभी थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता हूँ। सो गाइस फिर से अपनी छगिंग शुरू की है हमारे गुंताकर WDM3A ने, बताना ज़रूर कैसी लग रही है, बट कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ने वाला है यार आज। ऐसा आप सभी देख सकते हैं ग्रेडियंट भी अच्छे खासे हैं हमारे जर्नी पे, मतलब जर्नी पे नहीं सेक्शन पे, इस वाले उदयपुर से मावली तक जाने का जितना भी ये एरिया है उसमें ग्रेडियंट भी अच्छे खासे हैं। तो WDM3A की आज अच्छे से है ना पावर निकलने वाली है। एंड ये आप सभी देख सकते हैं वेलकम टू उदयपुर सिटी। एनीवेज यार उदयपुर यहाँ से भी शुरू होता है क्या, मे बी गाइस होता हो, किसी लेवल क्रॉसिंग को हमने क्रॉस किया। थोड़ी सी थ्रॉटल पावर और इंक्रीज करते हैं, मेन लाइन है पूरा ग्रीन अपना सिग्नल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सिग्नल आने वाला है 5.4 किलोमीटर दूर है, ये चीज़ आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगी जो अपकमिंग अपडेट्स आएंगे फ्रॉम रमेश महाजन जी उनके रूट्स में, कि वो सिग्नल्स का जो डिस्टेंस होता है वो एकदम रियल वाला लगाने वाले हैं। अब मतलब मेवाड़ में तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, एस बहुत से रूट में आप ये देखोगे कि जो सिग्नल होते हैं वो 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पर रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एक मीटर होता तो भाई हर मोमेंट पे आपको सिग्नल ही सिग्नल देखने मिलते हैं। हाँ भी यार मतलब थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं, ट्रेन पर फोकस करें या सिग्नल्स पर फोकस करें। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वो एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने मिल जाते हैं, बट रियल लाइफ में क्या होता है इतने ही डिस्टेंस पे आपको सिग्नल्स देखने मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 किलोमीटर। मैं यहाँ पे सही हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इतना ही नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है वो होता होगा, चेक करेंगे यार इंटरनेट पर कि ठीक है या नहीं। एनीवेज एक्सपर्ट्स जो कि ये वीडियोस देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है, मतलब मेन लाइन जो ट्रैक होता है मेन लाइन का, उनके सिग्नल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। देखते हैं यार किस में कितनी नॉलेज का मतलब भंडार है, आज शेयर कर दो अपनी नॉलेज अच्छे से। सो गाइस 55 किलोमीटर की स्पीड हमने अचीव कर लिया, कितने मिनट में, अरे यार आई गेस 6 मिनट लग गया भाई। WDM3 की यार पावर निकल रही है अच्छे से, आप सभी सुन पा रहे होगे जो छगिंग हो रही है। एनीवेज गाइस LHP ट्रेन है तो तुम्हें भी पता कितनी भारी होती होगी, मतलब LHP क्या भाई, वो तो ICF हो या LHB हो सभी ट्रेन भारी होती है यार, कौन सी ऐसी ट्रेन है जो कि पेपर की तरह हल्की हो। सो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मावली जंक्शन का जो डिस्टेंस है वो 31 किलोमीटर लेफ्ट है, लास्ट टाइम जब मैंने नोटिस किया तो 38 था क्या, कुछ ज़्यादा ही धीरे नहीं चल रही यार हमारी ट्रेन। WDM3 यार थोड़ी बहुत और पावर लगाओ यार, तुम बोलो तो अभी समोसे वगैरह मंगवाएं तुम्हारे लिए, पेंट्री कार हमारे जस्ट पीछे ही है। बट गाइस WDM3 तो खाएगा नहीं, उसे तो बस एक ही चीज़ चाहिए वो है डीजल, हमारे लोको पायलट ही खा सकते हैं जो कि मैं खुद हूँ, बट अभी तो खाने का मन नहीं करेगा यार, जैसे आपको पता है अभी गर्मी आ चुकी है, अभी
समोसे से काम नहीं चलेगा। सो गाइस, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सबसे वीडियो शुरू हुई है। कितना टाइम हो गया? आई गेस 12:45 पे ये वीडियो हमारी शुरू हुई थी और 45:55। सॉरी गाइस, मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, तो मेरे को कैलकुलेशन करने दो यार, थोड़ा बहुत मेरे को टाइम दो। हो गया, तो रिजल्ट आया 20 मिनट्स। 20 मिनट्स से मैं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, और बहुत से फिर भाई लोग यार ये कहेंगे कि तुम अपनी वीडियो में यार कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल जाते हो, हमें जर्नी भी इन्जॉय करनी है यार। तो चलो गाइस, मैं अब थोड़ा शांत रहता हूँ, जब स्टेशन आएंगे तब आपसे बात करूँगा। इतने आप जर्नी इन्जॉय करो अपनी, बताना ज़रूर कैसी लगेगी चगिंग साउंड्स जो आने वाली हैं। LHP की साउंड के बारे में बताना मत भूलना। एनीवेज, ये मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी है या अपने हमजा भाई की है, किसकी है, बट आप बता सकते हो आपको ट्रैक साउंड्स कैसी लग रही हैं। आई एम श्योर आपको मज़ा ही आ रहा होगा। डीजल लोकोमोटिव किसको पसंद नहीं आते यार, ये देखो क्या शानदार छगिंग करते जा रहा है मेरा भाई। एक 105 की लिमिट थी, बट उसके ऊपर हम जा रहे हैं, उस पर फोकस मत करना, मैं प्रूफ ही मिटा दूंगा। अब बताओ स्पीड, तुम लोग क्या सोच रहे थे कि मेरे बारे में ट्वीट करोगे? अब बताओ भाई, कहाँ से तुम लोग प्रूफ लेके आओगे? अच्छा यार, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रह गया था, अच्छा गलती हो गई, चलो कोई नहीं यार, देख ही लो तुम प्रूफ। सो गाइस, क्या लगता है 110 के ऊपर लेके जानी चाहिए? या नॉर्मल ICF की 110 की मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड होती है, LHP को हम 120 पे लेके जा ही सकते हैं। एनीवेज गाइस, उदयपुर से जो चित्तौड़गढ़ का सेक्शन है उसकी आई गेस मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है वो 105 ही है। कोई बात नहीं, इतना ठीक है यार, हमने अपना फुल पावर लगा रखी है अपने लोकोमोटिव पर, और जितना वो मैक्सिमम स्पीड पर लेकर जा सकता है उसे जाने देते हैं। ऐसा आपको पता है थ्रू आउट दी जर्नी बहुत सारे ग्रेडियंट भी आने वाले हैं, तो उसमें यार उसको थोड़ी ज़्यादा पावर की नीड होगी, वहाँ भी हमारी स्पीड स्लो हो ही जाएगी। एंड राइट नाउ, अभी कितनी शानदार टनल से हमारी ट्रेन जो है क्रॉस कर रही थी। आई गेस गाइस, कोई स्टेशन आने वाला है, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये जो अभी ट्रैक आई है सिंगल लाइन रोड में, आपको ये तभी देखने मिलती हैं जब कोई स्टेशन पास आ रहा होता है। किसी लेवल क्रॉसिंग को हमने क्रॉस किया जस्ट अभी। अरे कौन सा स्टेशन है यार, चेक करते हैं, देवारी स्टेशन है। ओके, अपना कैमरा एंगल चेंज करें क्या? ऐसा आप सभी देख सकते हैं, देवारी स्टेशन पर हम किसी मालगाड़ी को भी ओवरटेक कर रहे हैं जो कि बॉक्सर HL है, और बहुत ही शानदार स्पीड के साथ हमारी जो है हमसफ़र एक्सप्रेस मावली जंक्शन की तरफ बढ़ रही है, और धमाकेदार स्पीड में इस मालगाड़ी को ओवरटेक मार दिया है ओवर स्पीडिंग के साथ। एनीवेज गाइस, बताना मत किसी को कि मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ। 70445 हुबली शेड का WDG 4D, हुबली शेड का यार। एक मिनट, यहाँ तो साबरमती लिखा है, तो यहाँ पर ये UBL क्यों लिखा है भाई? ये तो स्कैम है यार, देख रहे हो, अच्छा खासा स्कैम है भाई। यहाँ पे साबरमती सामने लिख रहे हो, UBL साइड में लिख रहे हो, ये तो मैं बस क्या बताऊँ, इसके बारे में ज़रूर ट्वीट करना। बट एनीवेज गाइस, अपने रियल लाइफ के इंडियन रेलवेज को नहीं करना, ये ब्रॉडगेज प्रोडक्शन को करना है यार। कुछ ज़्यादा ही स्पीड नहीं बढ़ गई अब? WDM 3 है भाई, तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती में आ रहा है यार। 105 के लिमिट में 120 चलो ठीक था, बट तुम उसके ऊपर भी चले गए। आई गेस गाइस, यहाँ पर जो सेक्शन है हमारा, जो ग्रेडियंट है, वो कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा है, तो इसलिए हमारी ट्रेन को पावर की भी नीड नहीं है। बिना थ्रॉटल पावर के वो इतनी तेज़ जा रही है कि स्पीड बढ़ती जा रही है। ऐसा आप देख सकते हैं भाई, हमारी जो थ्रॉटल पावर है वो मैंने ज़ीरो कर रखी है, बट स्टिल स्पीड बढ़ती जा रही है। चलो हम तो अपने पैसेंजर व्यू में चलते हैं, मस्त जर्नी इन्जॉय करेंगे भाई। और WDM 3 हॉन्क कर भाई, नॉन स्टॉप हॉन्किंग कर दे, कितना 10 सेकंड के लिए तो कर भाई, पूरा यार कर्व पे है, तो पता नहीं कौन लेफ्ट से आ जाए कौन राइट से आ जाए, पहले से ही वार्निंग देते हैं उनको।
एंड ये गाइस आप देख सकते हैं मेवाड़ रूट की कितनी शानदार सीनरी है। चलो यार थोड़ी बहुत मैं रूट की बात कर लूँ। अब बोलना मत भाई कि मैं ज़्यादा प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं प्रमोशन एक्चुअली में कर नहीं रहा होता हूँ, मैं आपको ये जनरल नॉलेज दे रहा होता हूँ इन चीज़ों के बारे में, ये मुझे पसंद आती हैं तो मैं उनके बारे में बात कर रहा होता हूँ यार। और आप गलत अजम्पशन कर देते हो, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आजकल लोगों को बहुत ही गंदी बीमारी लगी है अजम्पशन करने की, वो मत करो यार। तो गाइस आई गेस यार ग्रेडियंट जो है ख़त्म हो रहा है, तो थ्रॉटल पावर वापस लेके आते हैं। ओ हो जो भाई हॉन्किंग अभी हमारे WDM3A ने करी है नॉनस्टॉप, और जो कर्व पे आपने देखा स्मोक कितनी बढ़िया तरीके से निकल रहा था। अगर मैं इस चीज़ को आपको सिनेमैटिक लुक में दिखाऊं तो बहुत ही शानदार विजुअल दिखेंगे आपको। यार फिर से ग्रेडियंट आ गया। एंड गाइस मैं ऑटो पायलट पे अपनी ट्रेन दे नहीं सकता हूँ, ऐसा आपको पता है अगर मैंने ऑटो पायलट पे अपनी ट्रेन रख दी तो जो वेब 7 हमारा ट्रांजिट में है उसका भी पेंटोग्राफ ऊपर हो जाएगा, और मैं वो चाहता नहीं, क्योंकि वेब 7 को आराम करने देते हैं। कोटा उसे मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, वो हमारी ट्रेन में क्यों लगवाया गया है, बस लगवा दिया गया है, हमको इतना बोला गया है कि आपको इसे कोटा लेकर जाना है। क्या पता वेब 7 का मन किया हो कोटा घूमने का। तो चलो यार फिर से ब्रेक्स को रिलीज करते हैं, और थ्रॉटल पावर अपनी ज़ीरो है, फिर से एक और कर्व। इस सेक्शन में गाइस आपको ये चीज़ बहुत ही प्यारी देखने मिलेगी, कर्व बहुत आपको अच्छे देखने मिलते हैं और सीनरी बहुत ही शानदार है। ऐसा आपको पता है अपने महाजन जी जो काम करते हैं वो बेकार हो ही नहीं सकता। एंड राइट नाउ गाइस हमारी जो हमसफ़र एक्सप्रेस है वो खेमली स्टेशन क्रॉस करने वाली है, तो हॉन्किंग यहाँ पे हम अभी करते हैं। और थ्रॉटल पावर आई गेस मेरे को थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी यार, ग्रेडियंट आई गेस ख़त्म हो चुका है। और यार हम दो मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं क्या, क्या बात है यार। देखो गाइस इसको कहते हैं प्रायोरिटी, जो प्रीमियम ट्रेन्स को मिलती है। मैंने तो भाई रियल लाइफ में भी इसको फेस किया है, जो जब मैंने राजधानी और दुरंतों में ट्रैवल किया था। भाई राजधानी तो छोड़ो, जो दुरंतों को प्रायोरिटी दी गई थी वो मेरे को राजधानी से भी बहुत ही अलग लेवल की लगी थी। वैसे गाइस मेरे को बताना ज़रूर कि आप लोग किस ट्रेन के सबसे ज़्यादा फ़ैन हो, राजधानी के या दुरंतों के। अब कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने राजधानी वर्सेस दुरंतों गैंग किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा कमेंट सेक्शन, मतलब डिसेबल कर दूंगा, सॉरी। सो गाइस नो फाइट्स, अगर आपको राजधानी पसंद है तो आप राजधानी के बारे में लिख सकते हो, अगर आपको दुरंतों पसंद है तो दुरंतों के बारे में लिखना मत भूलना। एनीवेज मेरे को तो दोनों ही पसंद है यार, दोनों की सर्विस ओ हो जो बढ़िया है भाई, एक्सीलेंट, मज़ा आ जाता है ट्रैवल करके। जैसे कि गाइस आप सभी अब देख सकते हैं राणा प्रताप से जब से हमारी ट्रेन निकली है नॉनस्टॉप 110 के ऊपर चल रही है, बहुत ही शानदार प्रायोरिटी मिली है, बहुत ही शानदार रन चल रहा है हमारा। बस किसी को पता ना चल जाए कि मैं क्या ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। एनीवेज गाइस थोड़ी बहुत स्पीड अप रिड्यूस कर लेते हैं यार, ट्रेन ब्रेक्स लगाते हैं। मैं अपने शेड्यूल मतलब ओवर स्पीडिंग तो कर रहा हूँ, अच्छी खासी स्पीड में हमारी ट्रेन चल रही है वो अच्छी बात है, बट जो मेरा शेड्यूल है अब मैं उससे ज़्यादा पहले ही ना पहुँच जाऊँ, जो मेरे को मावली जंक्शन पे पहुँचना है। एक्चुअली हमारा टाइम टेबल के हिसाब से जो हमें पहुँचना था वो था हमारा टाइम 1:22 का, बट अभी हो रहा है 1:25, तो 3 मिनट यहाँ पर देरी से हो गई है, 12 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस बाकी है, तो और लेट हमारी ट्रेन होने वाली है। बट जो मेरे हिसाब से जो टाइम टेबल था
कि मैं मावली तक 1:30 बजे पहुँच सकता हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, अभी भी मेरे पास 4 मिनट हैं और 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो चल यार, WDM3 अपनी पावर लगा दे भाई, तुझे भी छूट है, जा लेके जा ट्रेन को, मैं हूँ तेरे साथ, देखता हूँ कौन रोकेगा तेरे को। हाँ मैं पीछे, बोल देना चाचा विधायक है हमारे। अच्छा अभी मेरे को मिस करने मत लग जाना, मैं थोड़ा बहुत शांत हूँ ताकि आप सभी अपनी जर्नी भी इंजॉय कर सको। मैं तो आपसे बोले जा रहा हूँ, मैंने बोला था भाई थोड़ा कम बोलूँगा, बट मैं फिर से चालू हो गया था। वैसे गाइस आपको क्या गेम पसंद आता है सबसे ज़्यादा? यार मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, मतलब ट्रेन भी नहीं, सिम्युलेटर गेम्स की बात कर रहा हूँ। कौन सा सिम्युलेटर गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है? अपना ये ओपन रेल्स हो गया, या ट्रेन सिम वर्ल्ड हो गया, या ट्रेन सिम्युलेटर, ये कमेंट करके बताना मत भूलना, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद आती है वो चीज़ मेरे लिए मेन है, मैं उसको ज़्यादा करूँगा। ऐसा आपको पता है, रिसेंटली मैंने GTA 5 भी ट्राई आउट किया था, बट उसकी यार अपनी इतनी रीच है नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगी। एनीवेज ऐसा आपको पता है, स्टार्टिंग में जब मैं इस गेम की वीडियोस बनाई थी तब भी इसकी इतनी ज़्यादा रीच नहीं थी, बट थ्रू आउट द टाइम जो तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, ओहो हो, फिर तो जो मेरी ट्रेन चली थी ना मैं बता नहीं सकता, फिर उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं था। एंड गाइस एक चीज़ और यार, मैं इस चीज़ के बारे में तो बात करना ही भूल गया और काफ़ी टाइम हो चुका है। गाइस यार कर क्या रहे हो तुम लोग, मुझे ये बताओ। पहले 100K, फिर 200K, फिर 300, फिर 400, और फाइनली वी आर गोइंग टू हिट 500K। नहीं मुझे ये समझ नहीं आता, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? यार तुम लोगों को पता, जब ऐसी चीज़ें आती है ना, मेरे पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते इन सब के बारे में बात करने के लिए। बस मेरे फेस पे ये समझ लेना, जब मैं तुम्हारे लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे फेस पे एक स्माइल होती है जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप कि ये आपको बता सकता है कि मैं कैसा फील करता हूँ जब मैं इस बारे में बोल रहा होता हूँ। सो गाइस राइट नाउ हमारी ट्रेन भीमल स्टेशन क्रॉस कर रही है और थोड़ी बहुत हॉन्किंग करते हैं, ऐसा आपको पता है स्टेशन है, और साइड में आई गेस कोई ट्रेन भी खड़ी है। अरे यार ओवरटेक कर रहे हैं, क्या बात है, क्रॉसिंग भी रही हैं और बहुत ही शानदार ओवरटेक्स भी रहे हैं आज की एक्टिविटी में। ऐसा मेरी बनाई हुई एक्टिविटी है, और आपको पता है जब एक्टिविटी आपका DC बनाता है तो उसमें तो ट्रैफिक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप उसके बारे में बोल भी नहीं पाओगे, वो पहले से ही रेडी कर देगा ट्रैफिक को। एंड कोई बैकफोर था यार इस ट्रेन के साथ, ये क्या जहाँ तक है उदयपुर से निकली होगी, कब से निकली होगी यार, देख रहे हो, और भीमल पे इसको रुकवा दिया, क्या एक्सप्रेस बनेगी भाई, तो मतलब सॉरी बनेगा, सॉरी मैंने जेंडर चेंज कर दिया था आपका, बट आप गुस्सा मत होना, उसको अपने पर्सनल उस पर मत लेना, मैं मजाक कर रहा था। और ये तो ठीक है यार, बट फिर से हमारा WDM3 आप सभी देख सकते हो क्या स्पीड कैचअप कर रहा था, थोड़ा सा मतलब ट्रेन को ना छोड़ दो ग्रेडियंट पे, पर ऐसे भागती है जैसे कि बिल्ली के पीछे चूहा। नहीं यार ये तो आई गेस थोड़ा ऑपोजिट हो गया, सॉरी क्या था, चूहे के पीछे बिल्ली, हाँ टॉम एंड जेरी भी बोल सकते हो वैसे। सो गाइस ऑलमोस्ट रीचिंग मावली जंक्शन, एंड डिस्टेंस जो अभी बचा है वो है 3.5 किलोमीटर्स। क्या बात है यार, बहुत शानदार रन रहा आज का हमारा हम सफ़र का। सो गाइस बताना मत भूलना कैसा रहा। एनीवेज रुको यार, कहाँ जा रहे हो,
अभी नहीं बताना है, अभी भी रुको, थोड़ा बहुत अभी भी टाइम है अपने पास। आई गेस 5 से 10 मिनट लग जाएंगे यार मावली तक पहुँचने के लिए। ऐसा आपको पता है, स्टेशन के जब हमारी ट्रेन पास पहुँच जाएगी तो थोड़ी बहुत स्पीड भी रिड्यूस करनी पड़ेगी मेरे को। ऐसा तो है नहीं ना यार 100 की स्पीड में एंट्री मार दूँ, और वो मेन लाइन वाला स्टॉप होता तो कर सकते थे गाइस। ऐसा आपको पता है, आपको भाई इन चीज़ों में बहुत आगे है। लोकल ट्रेन को भी 100 की स्पीड पर अराइव करवाए स्टेशनों पर, और मेल एक्सप्रेस को भी जहाँ तक करवाई है 100 पे 70 पे कभी ना कभी। एनीवेज ये डर रहता था कि यार रेड सिग्नल क्रॉस ना हो जाए, बट होता नहीं है भाई। बट गाइस मज़ा बहुत आ जाता है उन चीज़ों में, ये है। वो तो ठीक है, बट ये गाड़ी वाला यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी क्यों बन रहा है यार? मज़ा मुझे आ रहा है और वो ऐसी भाग रहा है, इधर देख नहीं रहा 100 के ऊपर पे ट्रेन आ रही है। अरे यार वो तो ठीक है, ब्रेक्स लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं आगे जो हमारा ट्रैक चेंज हो रखा है 500 मीटर के बाद, और ऐसे सिनेरियो में लोको पायलट्स जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर दूरी से ही ब्रेक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो ठीक है ना डिस्टेंस, आई गेस अभी हम छोड़ सकते हैं अपने ब्रेक्स को। सो गाइस ब्रेक्स अभी इनिशियलाइज कर देते हैं। और भाई भाई भाई, सो गाइस उदयपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस फाइनली अपने मावली जंक्शन पर पहुंचने वाली है, पहुंची नहीं है। और ऑलमोस्ट हमारा मतलब अराइवल होने वाला है मावली जंक्शन पे। कुंटाकल WDM3 ने बहुत ही शानदार रन दिया भाई, मज़ा आ गया आज की जर्नी में। एंड वो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मावली जंक्शन के आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई ट्रेन भी खड़ी है हमारे लिए। ये जहाँ तक है हमारा ही वेट कर रही होगी कि कब हम इसका जो है सेक्शन क्लियर करें और ये आगे जाए। बट मुझे नहीं लगता ये आगे जाएगी यार, आपको पता है पीछे जो भी स्टेशन पड़ा था उस पर भी कोई ट्रेन खड़ी हुई थी, तो अब अगर वो हमारे पीछे चल दी होगी तो इसका तो भाई आगे जाने का कोई है नहीं, इसका भी आगे का सेक्शन फिर ब्लॉक ही है। एनीवेज गाइस यार यहाँ पे 20 की स्पीड लिमिट है और मैं 30-32 ऐसे कर रहा हूँ। चलो थोड़ी बहुत रिड्यूस कर लेते हैं स्पीड। और ये आप देख सकते हैं मावली जंक्शन कितना शानदार तरीके से बनाया है हमारे महाजन जी ने। हॉन्किंग करते हैं थोड़ी सी, ऐसा आपको पता है स्टेशन में अराइव कर रहे हैं तो बिना हॉर्न के तो ट्रेन अराइव करेगी नहीं। 0.3 किलोमीटर्स डिस्टेंस बाकी है। ऐसा आपको पता है यार कुछ टाइम बाद अगर मैं ऐसे गेम खेलता हूँ और कमेंट्री कर रहा होता हूँ ऑन दी अदर साइड, मेरे को ये भी देखना है कि मेरी ट्रेन क्या कर रही है, मतलब कितना डिस्टेंस बाकी है, कहाँ रुकना है, इस पर बहुत ध्यान देना होता है यार मेरे को कुछ टाइम बाद। सो गाइस ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड, बताना यार आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। उदयपुर से मावली का सफ़र बहुत शानदार रहा यार, मेरे को तो मज़ा आ गया। आप बताना मत भूलना आपको कैसा लगा। अभी ब्रेक्स लगा देंगे हमारी पूरी ट्रेन गाइस, आई गेस अभी प्लेटफॉर्म में नहीं आई है यार। चले अब आ गई ऑलमोस्ट, थ्रॉटल पावर मेरी 0 है, ब्रेक्स लगाने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसा आपको पता है सिग्नल भी बहुत ही क्लोज है और प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट एनीवेज हमारी ट्रेन जो है गाइस फिट हो चुकी है स्टेशन में, ये अच्छी बात है। पता चला हमारे गार्ड साहब को थोड़ा हाई जंप लगानी पड़ती अपने कोच से नीचे उतरने के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आज का सफ़र इतना ही रखते हैं उदयपुर से मावली का। पार्ट 1 में इतने रखता हूँ, पार्ट 2 भी आएगा बट वो फ्यूचर में आएगा। ऐसा आपको पता है मैं पार्ट 1 तो लेके आ जाता हूँ बट पार्ट 2 आने में थोड़ा टाइम लग जाता है हर वीडियो में। तमिलनाडु का भी अभी तक आया नहीं है बट होप करते हैं उसका भी जल्दी आ जाए। सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तुम्हें भी पता है लाइक बटन कितना प्यारा होता है, उसको बस एक बार जाके पीटना है। अब मुझे नहीं पता वो प्यारा है और तुम फिर भी उसको पीटोगे, बट फिर भी पीट देना मेरी तरफ से, प्यार से पीटना, ज़्यादा ज़ोर से मत पीटना, एक ही बार पीटना प्लीज़, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और कमेंट करना मत भूलना अबाउट द वीडियो। एंड गाइस ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि वो बना पाऊँ। सो गाइस अपना ध्यान रखो, मेरी वीडियोस देखते रहो, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एनीवेज हाँ यार एक चीज़ और भूल गया मैं गाइस, 500K के बहुत ही क्लोज हैं। सो
डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू हेयर। जल्दी से सब्सक्राइब करो और 500 के पूरा करते हैं आप, क्योंकि इतना हाइप कर रखा है ना तुम लोगों ने मेरे को। अब वो एनर्जी मेरे पास वापस आई है जो मेरे पे पहले थी 300K और 400K के बीच। वो एनर्जी जो मैं फील कर रहा था ना भाई, अब मज़ा आ रहा है कि क्या बात है, 300K होने वाला है, 400K होने वाला है। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू हेयर। मैं एक बार और बोल देता हूँ। अच्छा यार देखो, सॉरी मैं ये चीज़ कहना भूल गया था, हम एम करना भूल गए यार, कि एम करते हैं इस वीडियो पे इतने लाइक्स का। तो गाइस लेट्स एम फॉर 1.5K लाइक्स। मैं हमेशा 1K लाइक्स के लिए एम करता हूँ, इस बार एम करते हैं 1.5 से 2K लाइक्स का। क्या लगता है, हो जाएगा? देखते हैं यार, हो पाएगा या नहीं, मतलब ये मेहनत रंग लाएगी। देखो यार, इतना शानदार जो एक्सेलरेशन अब तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है, इस पे तो भाई 2000 लाइक्स बनते हैं, अगर दो भी नहीं तो 1.5 तो बनते हैं भाई। अब इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ।